नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मेडिसिन जानकारी में स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फ्लोक्सिवो 250 mg टेबलेट के बारे में। तो दोस्तों, इस टेबलेट का उपयोग आप किन किन बीमारी में कर सकते हैं, डोज क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, उसके बारे में पूरे विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों, ये 10 टेबलेट की स्ट्रिप आती है, MRP की बात करें तो 49 रुपये इस टेबलेट की MRP है। और इस दवा को मार्केट करता है एडिशन फार्मा। इस दवा को मार्केट करता है, इसमें सॉल्ट मिलाया गया है लिवोफ्लॉक्सासिन 250 mg, इसमें सॉल्ट मिलाया गया है। तो दोस्तों, आप किन किन बीमारी में इस टेबलेट का उपयोग कर सकते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो बिना स्किप के वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आपको इस टेबलेट की सही इन्फॉर्मेशन दोस्तों मिल पाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये एक एंटीबायोटिक दवा है। ये दवा बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण के इलाज में इस दवा का उपयोग किया जाता है। पेशाब करते समय जलन होना, बार बार रुक रुक कर पेशाब आना, अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन है, स्किन में इन्फेक्शन हो गया है, नाक का इन्फेक्शन, साइनस का प्रॉब्लम, प्रोस्टेटाइटिस, ब्रोंकाइटिस की समस्या, न्यूमोनिया, गले में इन्फेक्शन, फेफड़ों का संक्रमण, किडनी में सूजन है, लाल बुखार, यह दवा संक्रमण फैलाने वाले बैक्टीरिया को मारकर उन्हें बढ़ने से रोकने के काम करता है। तो दोस्तों, जान लेते हैं इस टेबलेट के डोज के बारे में। तो एडल्ट व्यक्ति को एक गोली सुबह और एक गोली शाम को खाना खाने के बाद लेना है, या फिर अपने डॉक्टर की सलाह के बाद इस टेबलेट का आपको उपयोग करना है। दोस्तों, इस टेबलेट को लेने के बाद कुछ साइड इफेक्ट नज़र आ सकते हैं, जैसे सिर दर्द, दस्त, पेट में दर्द, चक्कर आना, मतली उल्टी, खुजली। इस टेबलेट को लेने के बाद ऐसे कुछ साइड इफेक्ट नज़र आए, दोस्तों एक बार आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। इस टेबलेट में मिला कंटेंट से आपको पहले से कोई एलर्जी है, तो इस टेबलेट का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। दोस्तों, आप पहले से किसी प्रकार की मेडिसिन या एंटीबायोटिक दवा खा रहे हैं, तो इस टेबलेट का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। तो दोस्तों, जान लेते हैं किन किन लोगों को इस टेबलेट का उपयोग नहीं करना है। तो दोस्तों, अगर आपको हृदय का रोग है, लीवर का कोई रोग है, आंतों में सूजन है, कैल्शियम की कमी है, पोटेशियम की कमी है, तो इस टेबलेट का उपयोग ना करें। प्रेग्नेंसी महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं, इस टेबलेट का उपयोग करने से पहले एक बार में डॉक्टर की सलाह जरूर लें। दोस्तों, अल्कोहल के साथ इस टेबलेट का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।